तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अब अगर बात करते हैं जहां पे अबू धाबी टी टेन लीग मैच नंबर 12 जो कि खेला जाएगा डीकेन के लिए डेटी और टीम अबू धाबी के बीच में, एक साइड जहां पे निकोलस पुरन है तो वहीं दूसरी साइड कॉलिन इनग्राम है। पॉइंट टेबल दो पे सबसे लो बॉटम टीम्स का यह फाइट होने वाला है। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो शेख जाहिद स्टेडियम की पिच धीमी दिख रही है, पिच से सिम बॉलर्स को हेल्प नहीं मिलेगी। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने वाला है, ह्यूमिडिटी 60% रहेगा और क्लाउड 20%, और टेम्परेचर की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर वही दोनों टीमों का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो डीकेन के लिए डेटेड का 109 है, वहीं टीम अबू धाबी का 84 है। अगर लास्ट 5 मैच की बात की जाए रिसेंटली में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला तो वहीं पे डीकेन के लिए डेटेड 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम अबू धाबी की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। बात करते हैं डीकेन के लिए डेटेड टीम का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम 3 मैच खेलकर 1 ही जीत पाई है और पॉइंट टेबल में 7th पोजीशन पर। टीम के टॉप परफॉर्मर टॉम कॉलर है, जो जिन्होंने 2 मैच में 110 रन बनाए। इस मैच में टीम इसको सुधार करना चाहेगी। ओपनर टॉम कॉलर और एंड्रे फ्लेचर टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। लास्ट मैच में निकोलस पुरन ने भी अच्छा इनिंग खेली थी लेकिन टीम को नहीं जिता पाए थे। ऑलराउंडर एंड्रे रसल अब तक फ्लॉप रहे हैं। फैब एलन टू टीम के प्लस पॉइंट है, उन्होंने लास्ट मैच में 40 रन की फास्ट इनिंग खेली थी। वहीं लास्ट 2 मैच में टीम की बॉलिंग बहुत वीक रही, इस पर बॉलर्स ने ज़्यादा रन दिए। बॉलिंग टॉप फॉर्मर लूक वुड जिन्होंने 3 विकेट लिया, जहूर खान भी मांगे रहे, 10 बॉल अभी तक इफेक्टिव दिखे, उन्होंने विकेट नहीं निकाला। इन ओवर तुषार ने भी 2 विकेट लेकर लास्ट मैच में अच्छा किया था। स्पिनर की बात की इमाद वसीम जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं तो की प्लेयर्स में निकोलस पुरन, ट्रेंट बोल्ट, एंड्रे रसल। अब आगे चलते हैं अबू धाबी टीम का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो अबू धाबी टीम अभी तक टूर्नामेंट में अपने 2 मैच हार चुकी है। अगर वो आगे जाना चाहती तो इस मैच को जीतना ही होगा। बैटिंग में ओपन टॉम बैटम, एलेक्स हेल जो करेंगे, दोनों लास्ट मैच में ठीक ठाक स्टार्ट किए थे। नंबर 3 पर कॉलिन इनग्राम है जो लास्ट मैच में फ्लॉप थे। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो टीम की वीकनेस दिख रहे हैं जिसमें आसिफ खान है, लियूस दो फ्लूफी है। ऑलराउंडर की बात करें तो ड्वाइन पिटोरियस जो टीम के कैप्टन है। वहीं टीम की बॉलिंग की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है जेम्स फुलर, जो यहाँ पे विकेट दिलाना होगा। बॉलिंग में फास्ट बॉलर टाइम मिल्स को मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। स्पिन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस प्लेयर नूर अहमद हैं। बॉलिंग टॉप फॉर्मर ड्वाइन पिटोरियस है जिन्होंने अब तक 2 विकेट लिए। वांडर मर को लास्ट मैच में 2 चांस मिला था। अब अगर बात करते हैं की प्लेयर्स देखते हैं जहाँ पे एलेक्स सेल्स हैं, कॉलिन इनग्राम हैं, टॉम बैटम हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर होने वाला टीम अबू धाबी की टीम, क्योंकि वो इस मैच को जीतना चाहेगी। यहाँ पे डीकेन के लिए डेटियर को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।